हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में सेवेंथ यूनिट चल रही थी जियोलॉजी की, जिसमें हमने काफ़ी सारा पार्ट कवर कर लिया है। आज का जो टॉपिक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस। हिंदी में इसको हम विलयन बोलते हैं, ठीक है? आप सभी लोग सॉल्यूशन या विलयन के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे। इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाता है, बीएससी वर्ल्ड इमर्सिंग नाम से चैनल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक। सॉल्यूशन क्या होता है? थोड़ा बहुत तो बेसिक आइडिया आप सबको होगा ही कि सॉल्यूशन किस चीज को बोलते हैं। सॉल्यूशन या विलयन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो सॉल्यूशन जैसे कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सोलवेंट। क्या होता है? सोलवेंट मतलब विलेय और विलायक, विलेय और विलायक दो पार्ट होते हैं सोल्यूशन में। विलयन में एक सोल्यूट होता है, सोलवेंट होता है। इसके अलावा अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये दो पार्टों में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि होमोजीनियस, जीनस सॉल्यूशन, और हेटेरोजीनस, हेटेरो जीनस, ठीक। होमोजीनस मतलब, अब जो ये होमोजीनस है पहला वाला, होमोजीनियस सॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में लिखते हैं समांगी मिश्रण, समांगी विलयन। इसका मतलब क्या है? होमोजीनियस कहने का मतलब, मान लीजिए ये आपका सॉल्यूशन है जिसमें कि दो टाइप की चीजें मिली हुई है, ठीक। दो टाइप की चीजें, दो से अधिक भी हो सकती हैं, ठीक। इसको हमने बोला सॉल्यूशन। क्या बोला? सॉल्यूशन। समांगी विलयन जो होता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन, इसका मतलब ये होता है कि पूरे सॉल्यूशन में जो कंपोजिशन है सॉल्यूशन का, पहली बात, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन एंड सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। अगर पूरे सॉल्यूशन में हर जगह सेम है तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक। क्या कहा मैंने? अगर पूरे सॉल्यूशन का हर जगह कंपोजिशन मतलब उनका संगठन मॉलिक्यूल्स का, और प्रॉपर्टी कहने का मतलब गुण, अगर सेम है तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा? होमोजेनियस सॉल्यूशन मतलब समांगी मिश्रण। अब जो सॉल्वेंट होता है, भाई डिफिनेशन भी तो इनकी आनी चाहिए आपको। सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट मतलब विलायक, विलायक। तो विलायक हम किसको कहते हैं? जो सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सॉल्वेंट या विलायक बोला जाता है। इसके अलावा दूसरा और भी डिफिनेशन इसका होता है, मतलब आपने दो चीजों को मिलाया, अब उसमें से जिसके ऊपर उसकी फिजिकल मतलब भौतिक रूप जो है जिसका मेंटेन रहेगा, उसी को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे कि शरबत, आप लोग जानते हो शरबत, भाई पिए हो ना? शरबत क्या होता है? चीनी प्लस पानी। अब मान लीजिए आप, चीनी आपने 1 किलोग्राम लिया और पानी भी 1 किलोग्राम लिया, दोनों चीजें लिया। चीनी स्टार्टिंग में कैसी होगी? भाई शुगर जो है आपकी, शुगर सॉलिड होगी, सॉलिड क्यूब होंगे ना इसके, छोटे छोटे चीनी के दाने, और पानी लिक्विड फॉर्म में था। जब आपने इनको मिक्स किया तब क्या हुआ? मात्रा दोनों की बराबर लिया। अब तो इसमें आप कह नहीं सकते हो कि किसकी मात्रा ज्यादा है तो वो सोलवेंट है, दोनों चीजें बराबर है। लेकिन थोड़ी देर जब आप उसको हिलाते रहोगे, रिएक्शन होगी, फिर
फिर जब घुल जाएगी चीनी तब आपको देखेंगे कि एक लिक्विड मिलेगा। पानी पहले से कैसा था? वाटर जो है आपका, वाटर स्टार्टिंग में भी लिक्विड था, ठीक, लिक्विड। अब इसमें जब आपने सॉलिड शुगर डाला फिर भी जो शरबत बन के तैयार हुआ ये भी कैसा है? लिक्विड। तो ये दूसरी डिफिनेशन हो गई इसकी, कि अगर दो चीजें आप आपस में ऐड कर रहे हो, फाइनल जो रिजल्ट मिल रहा है आपको, सॉल्यूशन मिल रहा है विलयन, उसकी प्रॉपर्टी चेक करिए कि मिलने वाली चीजों में से किससे मैच कर रही है। जब शरबत आपका बन के तैयार होगा तो वो भी लिक्विड फॉर्म में है। मिलाया क्या क्या था आपने? 1 किलोग्राम चीनी, 1 किलोग्राम पानी था। तो भाई चीनी तो सॉलिड थी, फिर भी ये इसके अंदर घुल गई। समझ में आई चीज? तो वाटर जो है इसको हम सॉल्वेंट बोल देंगे। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि दोनों की मात्राएं बराबर है तो आप किसको सॉलिड, सॉरी, किसको सॉल्वेंट और किसको सॉल्यूट बोलोगे? सॉल्वेंट उसी को बोलोगे जो फाइनली लास्ट तक अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखे, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं विलायक। या सबसे सिंपल बात है कि सॉल्यूशन में जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्यूट क्या होता है? सेकंड, सॉल्यूट मतलब विलेय। विलेय जो होता है इसकी मात्रा सॉल्यूशन में, अमाउंट जो होता है इसका कम प्रेजेंट होता है, ठीक, कम अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में उसको हम बोलते हैं। अब एक सॉल्यूशन में कई सारे सॉल्यूट हो सकते हैं, सॉल्वेंट सिर्फ एक होगा, ठीक है। ये नोटेबल पॉइंट है, नोट कर लीजिए। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट एक ही होगा, लेकिन उसमें घुले हुए सॉल्यूट जो होंगे, सॉल्यूट मतलब विलेय पदार्थ, एक या अधिक भी हो सकते हैं, ठीक। विलेय पदार्थ जो है, सॉल्यूट, सॉल्यूट मटेरियल एक या अधिक हो सकते हैं, ठीक, मोर देन वन। ये चीज समझ में? चलिए, ये तो हो गया सिंपल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक, मतलब विलायक प्लस विलेय इज इक्वल टू विलयन। ये फार्मूला आपको याद रखना है। विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलयन क्या होता है, ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इनकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बेसिक इंट्रोडक्शन जो है हमको सॉल्यूशन का पढ़ना है, जो हमारी यूनिट में है। बेसिक चीजें सिर्फ इसमें पढ़नी है हमको। क्या पढ़ना है? बेसिक चीजें कि सॉल्यूशन क्या होता है और इसकी जो प्रॉपर्टी है, मोलेरिटी है, मोलेलिटी है, नॉर्मेलिटी है, ये सारी चीजें पढ़ना है, ठीक। डब्ल्यू बाई डब्ल्यू वेट क्या होता है, वी बाई डब्ल्यू क्या होता है, यही सब आसान आसान चीजें पढ़ना है। जो एक सॉल्यूशन या विलयन की बेसिक बातें होती हैं वही पढ़ना है, ठीक। अब आप हेडिंग लगाओगे टाइप्स ऑफ विलयन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार, कितने टाइप के होते हैं सॉल्यूशन। अब देखो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग पार्टों में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला तो जैसे कि उसके कंपोजिशन और प्रॉपर्टी के आधार पर हमने बताया था दो टाइप के होंगे, होमोजीनस और हेटरोजीनस। होमोजीनस ऐसे सॉल्यूशन जिसमें ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन में कंपोजिशन और प्रॉपर्टी सेम है अगर हर जगह, तो वो होमोजीनस है। हेटरोजीनस मतलब अलग अलग हो। एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था, पहला था होमोजीनस, मतलब समांगी विलयन। कैसे? समांगी, विलयन जो होते हैं इसका एग्जाम्पल है, अभी बताया था ना, शरबत। शरबत कुछ लोग नहीं जानते होंगे, मतलब शुगर प्लस वाटर से बना सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन ये किसका एग्जाम्पल है? होमोजिनस सॉल्यूशन का। क्योंकि अब वाटर में आप चीनी घोलोगे तो वो बराबर रूप से पूरे सॉल्यूशन में मिलेगी आपको,
चीनी की मिठास भाई, उसमें से दो ड्रॉप बाहर निकालो और वो शरबत की, दोनों की मिठास तो बराबर होगी ना, कंसंट्रेशन सेम होगी, प्रॉपर्टी सेम होगी, केमिकल कंपोजिशन सेम होगा सोल्यूशन का। जो शरबत आप बनाओगे, वाटर में चीनी को घोलोगे तो कंटिन्यूस बराबर घुल जाएगी ना, पूरे सोल्यूशन में जो शरबत बन के तैयार होगा आपका, हर जगह उस केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टी सेम होंगी। प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल और केमिकल जो होंगी वो सेम होंगी, तो इसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। सेकंड हमने बताया था आपको हेटेरोजीनस, हेटेरोजीनस सोल्यूशन। हेटेरोजीनस सोल्यूशन मतलब विषमांगी विलयन, विषमांगी विलयन। ये क्या होता है? विषमांगी विलयन का एग्जाम्पल जो है आपका, इसका उदाहरण जैसे कि पानी में आपने मिट्टी घोल दिया, पानी प्लस मिट्टी घोल दिया, ठीक, वाटर में आपने सॉइल घोल दिया, ठीक, सॉइल डाला। अब भैया जब मिट्टी डालोगे तो जो सोल्यूशन बनेगा उसमें क्या होगा? ये मान लीजिए आप वाटर था इसमें और आपने इसमें मिट्टी डाला, तो वो घुलेगी थोड़ी ना, वो तो अलग पड़ी रहेगी ना, कंटिन्यूस बराबर घुलेगी नहीं, तो इसको बोलते हैं हेटरोजीनस। समझ में आई बात? इसके अलावा अगर हम बात करें इनके फिजिकल प्रॉपर्टी की, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे अगर डिवाइड करें तो सॉल्यूशन के तीन टाइप होते हैं। कितने होते हैं? तीन टाइप सॉल्यूशंस, डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। कौन कौन से? सबसे पहला है गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन मतलब गैसीय विलयन। कैसे? गैसीय विलयन। ये जो होते हैं गैसियस सॉल्यूशन, भाई नाम से ही पता चल रहा है कैसे होंगे, गैसियस नेचर के होंगे, गैसे होंगे इसमें। अब इसमें भी अलग-अलग टाइप हैं। अब इसमें आप लिखोगे सबसे पहले सोल्यूट, क्या लिखोगे? सोल्यूट मतलब विलेय, हम गैसियस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। और एक साइड में लिखोगे आप सॉल्वेंट, क्या लिखोगे? सॉल्वेंट मतलब विलायक, ठीक। अब गैसियस सॉल्यूशन में कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सोल्यूट विलेय, मान लीजिए आपने गैस है, क्या है? गैस। और सोलवेंट भी कैसा है? गैस। ऐसा भी तो हो सकता है ना, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों गैस हो। इसका एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे आप उदाहरण लिखोगे, एग्जाम्पल इधर गैस गैस का बना हुआ जो सोल्यूशन है कौन सा है? जैसे O2 एंड N2 गैस का मिक्सचर, गैस का मिक्सचर, ठीक। ये कैसा सोल्यूशन है? ये कंप्लीटली गैसियस सोल्यूशन है। सेकंड एग्जाम्पल इसमें है कि आपका सोल्यूट हो लिक्विड, सोल्यूट कैसा है? लिक्विड मतलब द्रव है। और सॉल्वेंट आपका कैसा है? गैसियस फॉर्म में है। जैसे कि आपने क्लोरोफार्म को नाइट्रोजन गैस में मिक्सर कर दिया, क्लोरोफार्म, क्लोरो फॉर्म प्लस N2 गैस, क्लोरोफार्म प्लस N2 गैस, नाइट्रोजन गैस को जब आप आपस में मिक्स करोगे, ये जो सोल्यूशन बनेगा ये भी गैसियस होगा, क्योंकि गैस सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब जिसकी ज्यादा मात्रा है। तो ओवरऑल जो प्रॉपर्टी सोल्यूशन दिखाएगा इन दोनों से मिलके जो बनेगा सोल्यूशन, क्लोरोफार्म और नाइट्रोजन गैस से, उसका नेचर कैसा होगा? गैसियस नेचर होगा, क्योंकि सॉल्वेंट गैस है। कैसा है? गैस है। और सॉल्यूशन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो सॉल्वेंट वाली ही होती है, अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जो क्लोरोफार्म है ये कैसा है? ये तो है आपका लिक्विड फॉर्म में और ये आपका गैस है, तो ये भी गैसियस का ही एग्जाम्पल है। थर्ड टाइप इसमें हो सकती है पॉसिबिलिटी कि आपका जो सोल्यूट है वो हो सॉलिड। कैसा हो? सॉलिड। सोल्यूट जो है विलेय वो सॉलिड है और सॉल्वेंट आपका गैस है। तो इसका एग्जाम्पल कौन है? इसका जो एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल जैसे कि कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। कपूर जानते हो? कपूर आरती उतारते हो ना, आरती, उसमें क्या जलाते हो? कपूर। कपूर प्लस नाइट्रोजन गैस, ठीक। तो ये एग्जाम्पल हो गया।
अगला अगर हम बात करें, ठीक है, पहला तो हम पढ़ लिए गैसियस सॉल्यूशन के बारे में, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। सेकंड है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, आसान पार्ट है, स्टेप बाय स्टेप समझोगे, एक ही बार में सभी चीजें याद हो जाएंगी। अब इसमें भी कई सारी पॉसिबिलिटी कि आपका जो सोल्यूट है, सोल्यूट, सोलवेंट, और इधर आप लिखोगे एग्जाम्पल। ठीक, मान लीजिए आपका सोल्यूट गैस नेचर का है और सोलवेंट कैसा है, लिक्विड। अब जो लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं उसमें सोलवेंट सब में लिक्विड लिक्विड होगा, सब में कैसा होगा, लिक्विड, क्योंकि भाई सॉल्यूशन ही लिक्विड है, तो सॉल्यूशन लिक्विड तभी बनेगा जब सॉल्वेंट लिक्विड होना चाहिए, सॉल्वेंट की ज्यादा मात्रा होती। अगर सॉल्यूट गैस हुआ तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन, डिजोल्ड ऑक्सीजन जो होती है, ठीक है, डिजोल्ड O2 इन वाटर, जल में घुली हुई ऑक्सीजन जो है किसका एग्जाम्पल है, लिक्विड सॉल्यूशन का। भाई वाटर में अगर आप गैस घोल दोगे ऑक्सीजन तो भी तो लिक्विड ही रहेगा। इसके अलावा मान लीजिए कि आपका सोल्यूट भी लिक्विड है और सोलेंट तो भाई इसमें है लिक्विड रहेगा ही, सोलवेंट जो है वो तो लिक्विड ही रहेगा। तो ये है जैसे जल में घुली एथेनॉल, ठीक, एथेनॉल प्लस वाटर से बना जो सोल्यूशन होगा आपका, इसमें दोनों लिक्विड लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि सोल्यूट आपका सॉलिड हो, कैसा हो, सॉलिड, और सॉल्वेंट तो लिक्विड है ही। इसका एग्जांपल जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस वाटर से बना हुआ सोल्यूशन, ग्लूकोज प्लस वाटर। अब ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, आप वो व्हाइट व्हाइट पाउडर पीते हो ना ग्लूकोन डी, क्या होता है वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वाटर में घोलते हो सोल्यूशन बन जाता है, लेकिन जो सोल्यूशन ओवरऑल होता है वो लिक्विड ही होता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गई होगी बात। थर्ड टाइप है इसमें सॉलिड सोल्यूशन, कैसे, सॉलिड सोल्यूशन मतलब ठोस विलयन, ठोस विलयन, ठीक, ठोस विलयन की बात करते हैं। इसमें भी तीन पॉसिबिलिटी है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, और इधर आपके रहेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक, सोलवेंट तो ऑलवेज इसमें सोलिड ही रहेगा, कैसा रहेगा, सोलिड रहेगा, क्योंकि सोलिड सोल्यूशन है। अब इसमें क्या होता है, सोलवेंट अगर आपका गैस है तो क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन का पलेडियम में विलयन, पलेडियम जानते हो, पीडी, पलेडियम, पलेडियम, ठीक है, इसमें आपने हाइड्रोजन गैस, चलिए तो यहाँ बात करते हैं हम वही बेसिक डिफिनेशन जो मैंने आपको बताया, सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, डिफिनेशन से सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स दैट कैन बी डिवाइडेड वेरिड इन कंपोजिशन विद इन सर्टाइन लिमिट्स, मतलब कंपोजिशन के अकॉर्डिंग दो टाइप के हो सकते हैं। एवरी सॉल्यूशंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक सॉल्वेंट होगा और दूसरा सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट क्या होता है, इज द सब्सटेंस दैट डिजोल्व्स द सॉल्यूट, मतलब ऐसा पदार्थ जो सॉल्यूट को डिजोल्व कर ले। द सॉल्वेंट इन मोस्ट केसेस आर लिक्विड, अधिकतम लिक्विड होता है। लिक्विड सॉल्वेंट आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, अब जो लिक्विड सॉल्वेंट होते हैं ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर सॉल्वेंट में जैसे कि वाटर है, एल्कोहल है, ये पोलर क्यों होते हैं भाई, वाटर में आप जानते हो ये H2O है ना, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है, विद्युत ऋणात्मकता, ये हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन हल्का डिस्प्लेस रहते हैं ऑक्सीजन की ओर, तो इस पे एक माइनस चार्ज और एक इधर, और इन पे प्लस चार्ज होता है, तो ये बॉन्ड जो होते हैं पोलर होते हैं, इसीलिए जो वाटर है ये है तो सोलवेंट, लिक्विड सोलवेंट, लेकिन कैसा है, पोलर सोलवेंट है। एल्कोहल में भी क्या होता है भाई, एल्कोहल यही तो होता है OH, सेम कंडीशन, यहाँ इस पे माइनस इस पे प्लस चार्ज होगा तो ये भी पोलर होता है। नॉन पोलर सोलवेंट लाइक क्लोरोफार्म, बेंजीन, ईथर,
और CCl4। बात समझ में आई? जैसे कि जो क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म क्या है आपका, क्लोरोफार्म लिक्विड होता है, लिक्विड सॉल्वेंट है, अच्छा विलायक है, एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। बेंजीन जो है ये लिक्विड नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर लिक्विड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बनिक विलायक होता है, इसमें ऑर्गेनिक चीजें मिला सकते हो, अच्छा मिलाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो होगा ये नॉन पोलर का एग्जाम्पल है। यही हम सोल्यूट की बात करते हैं, इज द सबस्टांस दैट इज डिजोल्ड इन सोलवेंट, जो कि खुद घुल जाता है सोलवेंट या विलायक में। द सोल्यूट कैन बी सोलिड, सोलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसेस भी हो सकती हैं, जैसा मैंने आपको सभी पॉसिबिलिटी भी करवाया। इफ अ सोलिड और गैस इज मिक्सड विद द लिक्विड इज कंसिडर्ड एज सोलवेंट। अगर सोलिड गैस को मिक्स किया जाए लिक्विड के अंदर, तो हम क्या मानेंगे, सॉल्यूशन जो होगा उसमें सॉल्वेंट मान लेंगे लिक्विड को। इफ द सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कंसीडर्ड एज द सॉल्वेंट। मतलब जो दोनों लिक्विड चीजें घोल के अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हो, तो जो ज्यादा मात्रा में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये बेसिक डिफिनेशन है सोल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अब यहाँ पे कुछ टाइप और लिखे हुए हैं। ठीक है, स्टोक रेजेंट सॉल्यूशन, स्टोक रेजेंट सॉल्यूशन इज अ कंसंट्रेटेड रेजेंट सॉल्यूशन व्हिच इज डाइल्यूटेड टू प्रिपेयर अ वर्किंग सॉल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब समझते हो, जैसे कि मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन था जो कि बड़ा ही कंसंट्रेट था, ठीक, कंडेंस फॉर्म में था, काफी कंसंट्रेट था, इसमें आपने वाटर मिला दिया, क्या मिला दिया, वाटर। जितना ज्यादा वाटर ऐड करते जाओगे उसको डाइल्यूशन होता जाएगा, वो कंसंट्रेट से डाइल्यूट होने लगेगा। डाइल्यूट समझते हो ना, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। हैज अ लॉन्गर सेल्फ लाइफ एंड ऑक्यूपाइज लेस स्पेस इन स्टोरेज देन द वर्किंग सोल्यूशन। सेकेंड है वर्किंग सोल्यूशन, वर्किंग रिएजेंट सोल्यूशन कैन बी डाइल्यूटेड फ्रॉम द स्टोक सोल्यूशन और प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द रिएजेंट केमिकल फॉलोइंग द रिकमेंडेड प्रोसीजर्स। जैसे कि मेकिंग अ सॉल्यूशन, कैसे आप एक सॉल्यूशन को बनाओगे, व्हाट इज बेइंग डिजोल्व्ड, व्हिच इज बेइंग यूज्ड टू डिजोल्व द सॉल्यूट, द डिजायर्ड कंसंट्रेशन आपकी क्या है एंड डिजायर्ड वॉल्यूम। ये इतनी चीजें तो आपको पहले से तैयार ही करनी पड़ेगी। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, किस तरीके से आप एक सॉल्यूशन को बना सकते हो, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, इन चीजों को समझना है बस। एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिलेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन, सेकेंड है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। ठीक, रिलेटिव वाले में आते हैं आपके डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये जो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है कंसंट्रेशन का, इसमें हम मोलेरिटी, मोलेरिटी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू जो वेट वगैरह होता है इसको समझते हैं। तो ये दोनों जो कंसंट्रेशन टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, समझ में आई। यही जान है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में यही हम पढ़ते हैं मेनली, यही मेन पार्ट है, रिलेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। पहला है डाइल्यूशन, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ सोलवेंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट मतलब जैसे कि आप डाइल्यूट HCl पढ़ते हो, लेबोरेटरी में गए होगे कभी केमिस्ट्री के, तो वहाँ देखे होगे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड लिखा रहता है, लेबल चिपका रहता है। डाइल्यूट का मतलब यही है कि बहुत ही कम मात्रा में आपने सोल्यूट डिजोल्व किया है सोलवेंट में, सोलवेंट की मात्रा बहुत है। ठीक, मान लो कि 1 लीटर, 1 लीटर कहने का मतलब 1000 ml, 1000 ml सोलवेंट है आपका, सोलवेंट, और आपने इसमें 5 ग्राम सोल्यूट डाला, सोल्यूट, तो 1000 ग्राम में आप 5 ग्राम सोल्यूट डाले, तो उसकी कंसंट्रेशन जो सोल्यूट की है उसमें बहुत ही कम है, खाली सोल्यूट है ही नहीं, सोलवेंट सोलवेंट ही भरा पड़ा। तो इसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। एग्जाम्पल है जैसे कि
0.00001 मोल NaOH या 1% H2SO4। हाँ, अगर 1% H2SO4 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? 1% का मतलब ये है, अगर 1 ml उसमें H2SO4 है तो उसमें 99 ml वाटर होगा। क्या होगा? वाटर। ऐसे मान लीजिए 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम अगर 99 ग्राम आपका वाटर है और प्लस उसमें 1 ग्राम H2SO4 है, ठीक है, H2SO4, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसको हम बोलेंगे 1% H2SO4 सॉल्यूशन, 1% H2SO4, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये क्यों बनाया जाता है भाई? रिएक्शन में अलग अलग कंसंट्रेशन में यूज करना होता है, इसीलिए इस तरीके से डाइल्यूट सॉल्यूशन की भी जरूरत होती है। कंसंट्रेटेड कहने का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब इसमें सॉल्वेंट कम होगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, जैसे 98% H2SO4, इतना खतरनाक होगा ये, प्योर H2SO4 डाल दोगे तो तेजाब जन होता है, तेजाब जहां डाल दोगे, अगर मिट्टी पे डाल दोगे तो एकदम खोद के रख देगा, अगर स्किन पे लग जाए तो स्किन जल जाएगी उतनी दूर, इतना ज्यादा हार्ड होता है H2SO4, एसिड है ना। 98% 98% H2SO4 मतलब इसमें वाटर, अगर मान लो कि आपने 100 ml H2SO4 लिया, 100 ml सोल्यूशन लिया, ठीक, सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन है 98% H2SO4, तो इसमें 100 ml जो है इसमें 98 ml आपके H2SO4 होंगे, प्लस मात्र 2 ml सॉल्वेंट होगा आपका, सॉल्वेंट जनरली वाटर ही रहता है मैक्सिमम, ठीक, तो इस तरीके से जो सॉल्यूशन बनेगा, आप देखो इसमें 100 ml टोटल है, उसमें से वाटर मात्र 2 ml है, बाकी आपका 98% क्या है? H2SO4, ठीक, तो इस तरीके से आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन को समझ सकते हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट भरा पड़ा होता है, और उसका जस्ट उल्टा होता है कंसंट्रेटेड में, और इनकी रिएक्शन में अलग अलग प्रकार का यूज किया जाता है, इसीलिए हम अलग अलग टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। रिलेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन में अगला पॉइंट है सेचूरेटेड, सेचूरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिनको हम हिंदी में बोलते हैं संतृप्त, क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, सेचुरेशन तो जानते ही हो। इट इज वन इन विच अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हैज डिजोल्ड ऑल द सॉल्यूट दैट इट कैन अंडर अ गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहने का मतलब ये है सेचुरेशन का, कि मान लीजिए आप किसी सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में घोला, ठीक, डिजोल्व किया इसको एक खास टेम्परेचर और प्रेशर पे, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे आपने घोला, ठीक, प्रेशर पे आपने घोला। अब ये सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट के प्रत्येक मॉलिक्यूल में बाइंड हो जाए, पूर्ण रूप से बराबर जो है चिपक जाए, घुल जाए, तो उसको बोलते हैं सेचुरेशन। क्या बोलते हैं? सेचुरेट सॉल्यूशन, मतलब कंप्लीटली घुल जाए, प्रत्येक एक एक मॉलिक्यूल्स आपस में घुल जाए, उसको हम सेचुरेट सॉल्यूशन बोलते हैं। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, जैसे कि वैसे थोड़ा बहुत तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी सॉल्यूशन 100% सेचुरेटेड हो, कुछ तो मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो घुल नहीं पाते, कंप्लीटली थोड़ी ना घुलती कोई चीज किसी में। अ सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन व्हिच होल्ड्स मोर सॉल्यूट देन इट कैन होल्ड नॉर्मली एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहने का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो कोई सामान्य सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन कोई है उसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा सॉल्यूट को घोल पाए, उसको हम सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक, इतनी बात समझ में आई? चलिए भाई, हाँ, अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन,
मतलब सॉल्यूशन की जो सेकंड है इसमें हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली। पहला तो हम रिलेटिव एक्सप्रेशन कर दिखा रहे थे कंसंट्रेशन का, ये है कि सॉल्यूट की इसमें कंसंट्रेशन जो है वो हम क्वांटिटेटिवली मेजर करेंगे, फिजिकल यूनिट्स और केमिकल यूनिट्स। फिजिकल यूनिट कौन कौन सी है, जैसे कि परसेंटेज। अब परसेंटेज में आप डब्लू बाई डब्लू डब्लू बाई बी पढ़ोगे, पार्ट्स पर यूनिट और पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम पढ़े हो ना, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। डेंसिटी जानते हो ना, घनत्व, और स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन फिजिकल यूनिट्स हैं, कंसंट्रेशन टर्म, जिसको हम सॉल्यूशन के सॉल्यूट को क्वांटिटेटिवली बताने का प्रयत्न करते हैं। सेकंड है केमिकल यूनिट्स, इसमें हम मोल की बात करेंगे, इक्विवेलेंट्स की बात करेंगे, मतलब तुल्यांक। इक्विवेलेंट्स मतलब ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट्स आप पढ़े होंगे। मोलेरिटी है, नॉर्मेलिटी और मोलेलिटी, तो ये इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं जिनमें हम कंसंट्रेशन टर्म्स को ये जो यूज करते हैं। तो सबसे पहला है परसेंटेज। अब ये जो परसेंटेज होता है ये ज़्यादातर मेडिसिन वगैरह में यूज होता है, ठीक है, मेडिसिन जो होता है फार्मास्यूटिकल वगैरह में ज़्यादातर इसको यूज किया जाता है कंसंट्रेशन टर्म के। जैसे फर्स्ट है इसमें परसेंटेज वेट बाई वेट, जिसको हम डब्लू बाई डब्लू परसेंटेज बोलते हैं, वेट बाई वेट। दिस इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट बाई वेट पर 100 पार्ट्स सोल्यूशन बाई वेट। कहने का मतलब ये है, अगर लिखा हुआ है कि 37 ग्राम प्रतिशत डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एच सी एल, मीन्स देखो यहाँ पे समझाया अच्छे से एग्जाम्पल में, 100 ग्राम ऑफ एच सी एल सोल्यूशन कंटेन 37 ग्राम ऑफ एच सी एल एंड द रेस्ट 63 ग्राम सॉल्वेंट मतलब वाटर। अगर कहीं लिखा हुआ है तो मान लो आपने कोई कोई चीज़ खरीदी, कोई लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज़ खरीदा या मेडिसिन वगैरह खरीदा, उस पर लिखा है कि 30% वेट बाई वेट एच टू एस ओ फोर है, मान लिया एच टू एस ओ फोर उस पे लेबल लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप खरीदे हो वो है अगर 100 ग्राम, क्या है टोटल 100 ग्राम, तो उसमें 30 ग्राम आपका एच टू एस ओ फोर होगा, बाकी 70 ग्राम जो होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। क्या होगा, वाटर होगा। तो 30% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब समझ गए। सेम ऐसे ही लिखा हो अगर 30% डब्ल्यू बाई बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू बाई बी एच टू एस ओ फोर। अगर ऐसा लेबल लगा हुआ है उस चीज पे तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो सोल्यूशन है उसमें 30 ग्राम, देखो डब्ल्यू बाई वी लिखा है, तो जो सोल्यूट होगा आपका, सोल्यूट वो ग्राम में होगा और सोलवेंट ml में होगा, मतलब 30 ग्राम एच टू एस ओ फोर आपके 70 ग्राम 70 ml वाटर में है, 70 ml वाटर में है, फिर ये सोल्यूशन बनाया जा रहा है। 30% डब्ल्यू बाई वी एच टू एस ओ फोर, कहने का मतलब उसमें 30 ग्राम एच टू एस ओ फोर होगा प्लस 70 ml वाटर होगा। तो अगर डब्ल्यू बाई वी लिखा है तो जो सॉल्वेंट है वो ml में एक्सप्रेस किया जाएगा और आपका जो सोल्यूट होगा वो ग्राम में। बात समझ में आई, तो पहला हो गया 30% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू और डब्ल्यू बाई वी। अगर वी बाई वी है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, सेकेंड वाला मैंने जो बताया वो ये था, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम मतलब परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, समझ में आ गई बात। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एमएल में एक्सप्रेस किए जाएंगे। अगर 50% वी बाई वी एच सी एल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 50 ml आपका एच सी एल है और उसमें 50 ml
50 ml वाटर है, ठीक। इसीलिए जो HCl है उसको लिखा गया 50% VyB HCl, मतलब दोनों ml में एक्सप्रेस्ड है। और टोटल क्वांटिटी HCl की कितनी है? 50%। इसीलिए 50% आपका HCl, बाकी बचा हुआ सॉल्वेंट होगा, और सॉल्वेंट जनरली वाटर ही रहता है। अगर दिया नहीं है, दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, तो आप सॉल्वेंट को वाटर ही मान के चलोगे, ठीक। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मतलब इसमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जो आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। डाइल्यूशन, आप सॉल्यूशन दिया गया है, डाइल्यूशन तो मैंने आपको बताया कि पानी को ऐड करोगे तो कंसंट्रेशन सोल्यूट की घटती जाएगी। जब सॉल्यूशन की घटती जाएगी कंसंट्रेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन केमिकल यूनिट्स, केमिकल यूनिट्स में जैसे मोल है, इक्विवेलेंस है, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब जो है इनको। अब जैसे मोल आप जानते ही हो, जैसे हम संख्याएं हर चीज के लिए यूनिट कोई ना कोई यूज करते हैं। जैसे केला आप लेने जाते हो, कहते हो 1 दर्जन दे दीजिए, 1 दर्जन का मतलब 6। ऐसे ही हम चीजें, मतलब यूनिट्स बनाते हैं ना किसी चीज को कहने के लिए। ऐसे ही मोल जो है, मोल एटम्स, मोलिक्यूल्स, ठीक है, इनको बताने के लिए, इनके लिए एक यूनिट बनाई गई है। मोल एक यूनिट है, ठीक। 1 मोल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इज इट्स एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जैसे 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है? अवोगैड्रो नंबर। अवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.02 × 10³ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। अगर 1 मोल, मैंने बोल दिया कि 1 मोल केला दीजिए हमको बनाना, तो 1 मोल केले भी कितने होंगे? 6 × 10³ बहुत हो जाएगा। 1 मोल जो है संख्या बहुत बड़ी है, क्योंकि भाई पार्टिकल्स जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक। हम मोल यूनिट जो है कहाँ यूज करते हैं? स्मॉल मोलिक्यूल्स में, माइक्रोस्कोपिक मोलिक्यूल्स में। तो उनकी संख्या एक चुटकी भर मोलिक्यूल्स में भी करोड़ों की होगी। तो इसीलिए हम ये ऐसी यूनिट बनाए हैं। मोल को आप छोटी यूनिट मत समझिए, बहुत बड़ी यूनिट। अगर 1 मोल आप कपड़े खरीदने जाओगे तो सारी दुनिया के कपड़े खरीद डालो, समझ रहे हो ना? इस 1 मोल साइकिल, 1 मोल लैपटॉप्स, तो ये बहुत बड़ी यूनिट है। इसमें हम सिर्फ एटम्स की बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ लिखा है 1 मोल ऑफ सोडियम, मतलब 23 ग्राम्स, ये इज इक्वल टू किसके होगा, किसके बराबर होगा? इसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो मतलब ग्लूकोज में 180 ग्राम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। अगर 180 ग्राम ग्लूकोज आप तौल लीजिए जाके, तो वो 1 मोल ग्लूकोज है, 1 मोल ग्लूकोज। और इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने होंगे ग्लूकोज के? 6 × 10³ मोलिक्यूल होंगे ग्लूकोज के, से 6H12O6 के। तो ये चीज समझ में आई कि मोल क्या होता है। मोल एक यूनिट है जिससे हम तत्वों को वर्गीकृत कर, यूनिटिफाई करते हैं, ठीक। अब मोलर सोल्यूशन क्या होता है? जैसे 1 1 m सोल्यूशन लिखा होता है, 2 m लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है इसको भी समझिए भाई। जैसे लिखा है 0.5 m सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होता है? यम का मतलब क्या है? यम का मतलब होता है मोलेरिटी। क्या होता है? मोलेरिटी मतलब इतने मोलर सॉल्यूशन है, मोलर सॉल्यूशन, मोल्स पर लीटर, ठीक। इसको मोल पर लीटर दिखाते हैं। अगर 0.5 मोलर है, तो इसका मतलब 1 लीटर में 0.5 मोल घुले हुए हैं। लिखा है 0.5 m H2SO4, तो इसका मतलब क्या है? अगर कहीं लिखा है कि 0.5 m H2SO4, या फिर लिखा है 0.5 molar H2SO4, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि H2SO4 के 0.5 मोल 1 लीटर वाटर में घुले हुए हैं, 1 लीटर वाटर में घुले हुए हैं, समझ में आई बात? 5.5 मोलर या 0.5 m H2SO4 का मतलब होता है कि 0.5 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है। ये चीज समझ में आई? तो इसको बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? मोलर सॉल्यूशन।
चलिए ये चीजें सब आप पढ़ लेना, हम सिर्फ आपको चीजें समझा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, ठीक, इसको भी आप करके देखना। नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी जो होता है एक्चुअल मास इन ग्राम, ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन मीटर। अगर हमको इक्विवेलेंट वेट पता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम से, आयतन से, वो भी लीटर में रखोगी, एमएल में नहीं रखोगी, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी हिंदी में जिसको हम नॉर्मलता बोलते हैं, नॉर्मेलिटी को यन से एक्सप्रेस करते हैं, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम को किस में रखना पड़ेगा? लीटर में, ठीक है। यूनिट का इसमें बड़ा खेल है, यूनिट आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूले हैं जिनको आप याद रख सकते हो। नॉर्मेलिटी हो गई। चलिए थैंक यू से पहले आओ, भी कुछ बताते हैं आपको थोड़ी चीजें, ठीक है। यहाँ पे आइए, ये कहाँ चला गया भाई, पेज ही गायब हो गया है। चलो यही समझाते हैं। जैसे मोलेरिटी क्या होता है? मोलेरिटी ये सब कंसंट्रेशन टर्म है। मोलेरिटी जिसको हम बोलते हैं मोलरता, मोलरता क्या है? मोलेरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब विलेय के मोलों की संख्या, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक। हिंदी में लिखें तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के जो सॉल्यूट है उसके मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपान में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक। जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसको लिखेंगे हम किसमें? लीटर के अंदर। ये होता है आपका मोलेरिटी। ऐसे ही होता है एक मोलेलिटी, मोलेलिटी मतलब मोललता, मोललता, मोललता का होता है। इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल एम। ये बहुत बड़ी बात है, याद रखना, नहीं बहुत छोटी बात है। कैपिटल एम का मतलब मोलेरिटी और स्मॉल एम है तो मोलेलिटी, मोललता इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ, नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन ग्राम, इन किलोग्राम, इन किलोग्राम। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, एक चीज तो सेम दिख रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहां भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, लेकिन नीचे बदला हुआ है। नीचे यहाँ पे वॉल्यूम है वो भी सोल्यूशन का लीटर में, और यहाँ वेट है वो भी सोलवेंट का, सोल्यूशन का नहीं, यहाँ वॉल्यूम है सोल्यूशन का और यहाँ पे वेट है वो भी सोलवेंट का इन किलोग्राम, ठीक, केजी में रखना है आपको। तो ये डिफरेंस होता है मोलेरिटी और मोलेलिटी में, ठीक। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे, इसको भी याद रखना। तो यही कुछ चीजें हैं जो सोल्यूशन के बारे में आपको याद रखना, इतना ही लिख देना, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहीं से कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं यूनिट 7 में, जो हमारी यूनिट 7 है इसमें छोटे छोटे टॉपिक 2-3 बचे हुए हैं, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारी लास्ट यूनिट आएगी 8, उसके बाद में सिर्फ हमको क्या करना होगा, 8 यूनिट इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक है उसमें,
जितनी भी बायोटेक्निक्स हैं सब उसमें रखी हुई, तो 8 यूनिट में टाइम लगेगा काफी। उसके बाद में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हमको रहेगा, बाकी हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। केमिस्ट्री के लिए आप लोग केमिस्ट्री वाले चैनल पर लेक्चर आपको मिलते हैं, वहाँ करिएगा। और वनस्पति विज्ञान जो है बॉटनी, उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि उसकी भी 4 ही यूनिट कंप्लीट होगी। ठीक है भाई, तो सबको बाय बाय, जय हिंद जय भारत।